हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है सुमति मोहरी के विद्यापटक महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे सी टू पाथवे को, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइट पाथवे। सी टू पाथवे को हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे, जिसको हम ग्लाइकोलाइट पाथवे बोले, ग्लाइकोलाइट पाथवे। और ये सब हम पढ़ रहे थे किसमें, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस को कंटिन्यू कर रहे थे। और सी टू पाथवे ग्लाइकोलाइट पाथवे को हम फोटो रेस्पिरेशन पाथवे को बोलते हैं। ऑक्सीजनेशन प्रोसेस को भी कंटिन्यू करेगा और जो रुबिस्को है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड करेगा और कार्बोक्सीनेशन प्रोसेस को भी क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। अगर रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा तो वो क्या करेगा, C3 साइकिल कार्बोक्सीनेज एक्टिविटी को शो करेगा और C3 साइकिल को क्या करेगा, वो कंटिन्यू करेगा। और वो किसका फॉर्मेशन करेगा, सुगर्स का फॉर्मेशन करेगा। और वो सुगर जो है वो फ्लोएम के काम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और जब C3 साइकिल फॉलो होगा तो वहां पे क्या बनेगा, फॉस्फोगिलेशन। और जब C2 ग्लाइकोलेट पाथ पे फॉलो होता है और रुबिस्को जब ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो ग्लाइकोलेट पाथ पे फॉलो होगा और वहां पे जब फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो है वो एनवायरमेंट में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और एटीपी वहां पे एनर्जी जो है वो क्या होगी, कंज्यूम होगी। तो जो रुबिस्को है वो कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी भी शो करेगा वहां पे और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को भी क्या करेगा, वहां पे वो शो करेगा। मींस कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को शो करेगा और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को भी क्या करेगा, वो शो करेगा। इसके बाद मैंने क्या बताया था कि कार्बोक्सिलेशन जो प्रोसेस है वहां पे तीन मॉलिक्यूल ऑफ थ्री फॉस्फोग्लिसराइड हमें मिलते हैं एंड ऑक्सीजनेशन जो प्रोसेस है उसमें प्रोड्यूस होता है 1 मॉलिक्यूल ईच ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसराइड एंड 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट का वहां पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब उससे आगे हम देखते हैं जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो आगे से क्या है, टू अवॉइड बोथ ड्रेन ऑफ कार्बन आउट ऑफ दी वो आउट होगी आउट ऑफ दी केल्विन साइकिल एंड एंजाइम इनहिबिशन। और क्या होगा वहां पे, एंजाइम इनहिबिशन। और 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट जो होगा वहां पे, 2 कार्बन का जो ग्लाइकोलेट होगा, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट इज मेटाबोलाइज। ये क्या होगा वहां पे, मेटाबोलाइज होगा। जो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट होगा स्टूडेंट वो क्या होगा वहां पे, इज मेटाबोलाइज। वो क्या होगा, मेटाबोलाइज होगा थ्रू दी C2 ऑक्सीडेटिव, थ्रू दी C2 ऑक्सीडेटिव फॉस्फो, थ्रू दी C2 ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल, C2 ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल। इसमें क्या होगा, ये अवॉइड करेगा, टू अवॉइड बोथ ड्रेन ऑफ कार्बन आउट ऑफ द केल्विन साइकिल एंड एंजाइम इनहिबिशन। 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है वो मेटाबोलाइज होगा इस फोटोरेस्पिरेशन पाथवे में थ्रू दी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल के थ्रू। क्या होगा, इसका मेटाबोलाइज होगा जो C2 पाथवे है, ये क्या करेगा, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट को यहां पे क्या करेगा, मेटाबोलाइज करेगा। अब हम इसका प्रोसेस देखेंगे कि इसका जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि 3 ऑर्गेनल्स इसके प्रोसेस में यूज होते हैं, उनमें हम देखेंगे कि 3 ऑर्गेनल्स जो है वो कैसे काम करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। इन तीनों ऑर्गेनल्स में जो है C2 जो साइकिल है, फॉस्फोग्लाइकोलेट जो ग्लाइकोलेट साइकिल है, ये क्या होगा, फॉलो होगा। तो दिस नेटवर्क ऑफ कोऑर्डिनेटेड एंजाइम रिएक्शन आल्सो नोन एज फोटोरेस्पिरेशन, आल्सो नोन एज
ऑल्सो नोन एज फोटो रेस्पिरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। दिस नेटवर्क ऑफ कोऑर्डिनेटेड एंजाइम रिएक्शन, ये जो एंजाइम रिएक्शन हो रही है, ये जो नेटवर्क जो फॉलो हो रहा है वो कोऑर्डिनेटेड एंजाइम रिएक्शन जो इसमें होगी, इसको हम क्या बोलते हैं? नोन एज फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको। ये अगर होगा, मैंने आपको बताया था थ्री ऑर्गेनेल्स में, अगर इन क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहले किसमें होगा? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिस्म, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। ये थ्री ऑर्गेनेल्स में क्या होगा, अगर होगा उसको याद रखने का तरीका है सीपीएम। ये किसमें होगा? सीपीएम में होगा। तो जो C2 साइकिल है, जो C2 पाथवे है, जिसको हम फॉस्फोग्लाइकोलेट पाथवे बोल रहे हैं, तो दिस नेटवर्क ऑफ कोऑर्डिनेटेड एंजाइमेटिक रिएक्शन, तो इस इन तीनों जो ऑर्गेनल्स है, इनमें जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी, एक नेटवर्क है ये, इसमें कोऑर्डिनेटेड होगी क्या एंजाइमेटिक जितनी भी रिएक्शन है वो सब किसमें होगी? इन तीनों ऑर्गेनल्स में होगी। और इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन पाथवे, या फिर हम इसको बोलते हैं C2 पाथवे, या फिर ग्लाइकोलेट पाथवे। तो ये जो फोटो रेस्पिरेशन पाथवे है, C2 पाथवे, ग्लाइकोलेट पाथवे है, ये तीनों ऑर्गेनल्स में होगा, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिस्म, माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पे एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी, इनमें कोऑर्डिनेशन होगा, और एंजाइमेटिक जब रिएक्शन होगी तब ये पाथवे वहां पे क्या होगा? फॉलो होगा। कौन सा? फोटो रेस्पिरेशन या C2 पाथवे, जिसको हम ग्लाइकोलेट पाथवे बोल रहे हैं। तो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिस्म और माइटोकॉन्ड्रिया, अगर आपको ये पूछे कि C2 पाथवे कहां पे फॉलो होगा, ग्लाइकोलेट पाथवे कहां पे फॉलो होगा, फोटो रेस्पिरेशन पाथवे कहां पे फॉलो होगा, तो तीनों ऑर्गेनेल्स में फॉलो होगा, क्लोरोप्लास्ट में, पेरोक्सिस्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। और आपको ध्यान रखना है CPM, क्लोरोप्लास्ट, सी का मतलब क्लोरोप्लास्ट, पी का मतलब पेरोक्सिस्म और एम का मतलब होगा माइटोकॉन्ड्रिया। एम का मतलब क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो तीनों ऑर्गेनेल्स आपको ध्यान रखना है CPM, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिस्म और माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों ऑर्गेनेल्स आपको ध्यान रखने हैं। और तीनों ऑर्गेनेल्स में जो है ये क्या होगा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होगी? यहाँ पे कंटिन्यू होगी। C2 पाथवे जो ग्लाइकोलेट पाथवे, इसकी प्रोसेस क्या होगी? कंटिन्यू होगी। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस पाथवे को, किस पाथवे में होता क्या है। तो देखो, इस पाथवे को मैं आपको साइकिल बना के समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट आएगा। सबसे पहले जो है वो रिएक्शन स्टार्ट होगी क्लोरोप्लास्ट में। हम एक बार थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझते हैं, उसके बाद मैं आपको साइकिल बना के दिखाऊंगा इसमें। तो सबसे पहले जो है क्लोरोप्लास्ट में साइकिल्स होगी। क्लोरोप्लास्ट में जब साइकिल होगी तो क्या होगा? जो RUBP है, RUBP होगा, वो यहाँ पे किसे बाइंड करेगा? वहां देखो, हमने C3 साइकिल में देखा था, C3 पाथवे में हमने देखा था, तो RUBP जो है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड कर रहा था। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहां पे कन्वर्ट हो रहा था किसमें? बाइकार्बोनेट में। किसमें कन्वर्ट हो रहा था? बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो रहा था। तो RUBP वहां पे बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके वहां पे किसमें कन्वर्ट हो रहा था? C4 पाथवे में ऑक्सेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा था। किसमें कन्वर्ट हो रहा था? ऑक्सेलो एसीटेट, सॉरी C4 पाथवे की बात कर रहा हूं मैं। C4 पाथवे में क्या हो रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो रहा था किसमें? बाइकार्बोनेट में। और RUBP फिर बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो रहा था? ऑक्सेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा था। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? मेसोफिल सेल की बात कर रहे हैं। ऑक्सेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा था, फिर ऑक्सेलो एसीटेट जो है वो क्रॉस नहीं कर पाता था किसको? मेसोफिल सेल को। ऑक्सेलो एसीटेट क्रॉस नहीं कर पाता था, तो मेसोफिल सेल को अगर ऑक्सेलो एसीटेट क्रॉस नहीं कर पाता था तो ऑक्सेलो एसीटेट किसमें कन्वर्ट हो रहा था? मैलेट में। और वो मैलेट फिर जो है वो क्या कर रहा था? फिर मैलेट जो है उस जो मेसोफिल सेल है उसको क्रॉस करके कहां पे आ रहा था? बंडसी सेल में आ रहा था। तो वहां पे भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट में चेंज हो रहा था, RUBP किसे बाइंड कर रहा था वहां पे? कार्बन डाइऑक्साइड से। लेकिन यहां पे C2 पाथवे ग्लाइकोलेट पाथवे में हम पहला जो ऑर्गेनेल यूज करेंगे क्लोरोप्लास्ट, यहां पे RUBP जो है ये किससे बाइंड करेगा? यहां पे ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, ऑक्सीजन से बाइंड करेगा RUBP, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा। C2 पाथवे में ये कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड कर रहा था और बाइकार्बोनेट से बाइंड कर रहा था, ऑक्सीजन से जिसमें कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन यहां पे RUBP जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन से बाइंड करेगा और रुबिस्को एंजाइम यहाँ पे काम करेगा, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को शो करेगा, तब जाके ये किसमें कन्वर्ट होगा? सबसे पहले फॉस्फोग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाता है। फॉस्फोग्लाइकोलेट भी बनेगा यहाँ पे, प्लस फॉस्फोग्लिसरेट भी बनेगा। मैंने आपको बताया था कि फॉस्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन भी होगा यहाँ पे, और किसका फॉर्मेशन होगा? फॉस्फोग्लिसरेट का भी फॉर्मेशन होगा। और इसके बाद फॉस्फोग्लाइकोलेट से प्रोटेक्ट बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलेट। ये सब होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर।
क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही ग्लाइकोलेट का क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, और वो फिर ग्लाइकोलेट जो है वो क्लोरोप्लास्ट को यहाँ पे क्रॉस कर जाएगा। इसमें मींस ये है कि इंटरमीडिएट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें डायरेक्ट जो ग्लाइकोलेट बनेगा वो क्लोरोप्लास्ट को क्या करेगा क्रॉस करेगा, और वो फिर डिफरेंट पार्ट को जो है ग्लाइकोलेट से फिर ग्लाइकोजन ग्लाइकोजेनेट बनेगा, पाइरोक्सिलेज में फिर ग्लाइसिन बनेगा, और उसके बाद ग्लाइसिन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और ग्लाइसिन से वहां पे अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, एनएडी जो है वो वहां पे रिडक्शन होगा, सेरीन में कन्वर्ट होगा, सेरीन फिर वापस आएगा पाइरोक्सिलेज में, और वहां पे ये बनाएगा सेरीन जो है वो हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा, फिर हाइड्रोक्सी पाइरुवेट वहां पे ग्लिसरेट बनाएगा, और फिर वापस माइटोकॉन्ड्रिया में जब ग्लिसरेट सॉरी क्लोरोप्लास्ट में आएगा और ग्लिसरेट आके डिस्कस करेंगे।